सुप्रभातम प्रिय मित्रों, आज हम वैदिक साहित्य की पुस्तक ऋक्सिप्तावली में इंद्र सूक्त के अग्रिम मंत्रों का अध्ययन करेंगे। अग्रिम नवा मंत्र है, यस्मात् नरिते विजयन्ते जनाशा यम युद्धमानावसे हवन्ते यो विश्वस्य प्रतिमान बभूव यो अच्युत सजनाश इंद्र। अन्वय यस्मात् ऋते जनाश स विजयन्ते युष्माना यम अवसे हवन्ति यह विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यह अच्युत जनाश इंद्र। शब्दार्थ न विजयन्ते, विजय नहीं होते हैं। युद्यमाना युद्ध करते हुए लोग, अवसे रक्षा के लिए, हवन्ते पुकारते हैं, प्रतिमानं प्रतिरूप परिमाण निश्चित करने वाले, अच्युत स्त्रियों को भी गतिशील बनाने वाला। प्रश्न, इस मंत्र में ऋषि जिस संबंध ने इंद्र देवता के वैशिष्ट्य का वर्णन किया है। अनुवाद है, जिसके बिना लोग विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं, युद्ध करते हुए लोग जिसे अपने रक्षा के लिए पुकारते हैं, जो विश्व का प्रतिरूप है तथा जो स्त्री को भी गतिशील बना देता है, हे मनुष्यों, वह है इंद्र है। अग्रिम 10वां श्लोक है, यह सस्वतो मह्यनो ददाना न मन्यमाना श्रवा जघान यह सदते नानु ददाति सद्या यो दशो अंता स जनाशेन्द्र। अन्वय यह अहि एन ददना ददानान सस्वत अमन्यमानान सर्वा जगान ये सर्दते सृद्याम न अनुददाति ये दश्यो अंता जनाश्रेन्द्र। शब्दार्थे मही महान या विशाल एन पाप को दधानान धारण करने वाले सश्वत बहुसंख्यक अमन्यमाना इंद्र को न मानने वालों को शर्वा वज्र से जघान मारता है, नष्ट कर देता है। सर्दते उद्दंड अथवा अभिमानी की श्रद्धा उस श्रृंखलता अथवा अभिमान को न अनुदात सहन नहीं करता है, अंता विनाश करने वाला। प्रसंग, प्रस्तुत मंत्र में मंत्र दृष्टा ऋषि ने इंद्र के वीरतापूर्ण कृत्यों का वर्णन किया है, इंद्र संबंधी महत्व तथ्यों को प्रस्तुत किया है। अनुवाद है, जो महान पाप को धारण करने वाले बहुसंख्यक इंद्र को न मानने वालों को वज्र से मार देता है, जो अभिमानी की उस श्रृंखलता अथवा अभिमान को सहन नहीं करता है, जो असुरों का वध करने वाला है लोगों, वह इंद्र है। अग्रिम 11वां नंबर का मंत्र है, यह संवरम पर्वतेषु चियंतम चत्वारिशम सरद्यन्नव विदंत ओजायमानम यो अहिम जहान दानम स्यानम सजनाशे। अनुवे यह पर्वतेषु चियंतम शंबरम चत्वारिश्यम सरदि अनु अविन्दत ये ओजायमानं सयान दानं अहिम जगान जनास्य इंद्र। कठिन शब्दार्थ है, चियंतम रहने वाले, सर्दी सर्द ऋतु में अथवा वर्ष में, अनुविंदत खोज कर पा लिया, ओजायमानं ओज प्रदर्शित करने वाले, सयानं देते हुए, दानु दानु के पुत्र,
असुर को। इस मंत्र में ऋषि संबंध ने इनके साहसिक कार्य का वर्णन किया है। अनुवाद है, जिसने पर्वतों में निवास करने वाले संबर को 40वीं शरद में खोज लिया, जिसने ओज का प्रदर्शन करने वाले तथा लेटे हुए दानव पुत्र ए को मार डाला, लोगो का इंद्र है। यह संबर एक असुर का नाम है। अग्रिम 12वां मंत्र है, यह सप्तरश्मि वर्षम अस्तु विष्मान वासजत सर्तवे सप्तसिंधु यो रोहिणम अस्फुरत वृज भावो ध्यामारोहंत सजनाश इंद्र। अन्वय है, सप्तरश्मि वृषभ तुविष्मान यह सर्तवे सप्त सिंधु अवासजत वृज भावो यह ध्याम आरोहंतम रोहिणम आस्पुरत जनाशैन्द्र। शब्दार्थ है, सप्तरश्मि सात किरणों वाले वृषभ कामनाओं के पूरक तुविष्मान शक्तिशाली सर्तवे बहने के लिए आवास बहाया है। वज्र भाव वृज है भाव में जिसके अथवा वज्र सदी बुझाओं वाले ध्याम स्वर्ग में आरोहंतम चढ़ते हुए रोहिण रोहिण नामक असुर को अस्फुरन मार डाला। प्रसंग, प्रस्तुत मंत्र इंद्र सूक्त से उद्धृत है। इसमें मंत्र दृष्टा ऋषि गृह संबंध ने इंद्र के साहस एवं वीरतापूर्ण कृत्यों का वर्णन किया है। इंद्र सात किरणों वाले कामनाओं के पूरक शक्तिशाली जिस इंद्र ने बहने के लिए सात धाराओं को बहाया है। हाथ में वज्र धारण करने वाले जिसने द्यूलोक पर आरोहण करते हुए रोहिण नामक असुर को मार डाला, लोगो वह इंद्र है। अग्रिम 13वां नंबर का मंत्र है, ध्यावा चिदस्मै पृथ्वी नमेते सुस्मात् चिदस्य पर्वतो बहन्ति ये सोमपा निचितो वज्र भाव यो वृज वज्र हस्त सजना। अन्वय है, अस्मै ध्यावा पृथ्वी चित नमेते अश्य सुषमा पर्वता चित्त बहन्ते यह वज्र भाव सोमपा निचित है यह वज्रस्त जना सहिंद्र। शब्दार्थ है, ध्यावा ध्यूलो नमेते झुकते हैं सुषमात बल से पर्वता पर्वत बहन्ते डरते वज्र भाव वज्र के समान बुझाव वाला सोमपा सोमपा पान करने वाला निश्चित किया गया है वज्रस्त आत्मवज धारण करने वाला। प्रश्न, प्रस्तुत मंत्र में ऋषि गृह संबंध ने इंद्र के पराक्रम का वर्णन किया है। हिंदी अनुवाद है, इस इंद्र के लिए आकाश तथा पृथ्वी लोग भी झुकते हैं, इसके बल से पर्वत भी डरते हैं। जो वज्र के समान बुझाऊ वाला सोम का पान करने वाला निश्चित किया गया है, जो हाथ में वज्र धारण करने वाला है वह इंद्र है। यह सुनवंतम अवति यह पचंतम यह ससंतम यह सुष्मान मूति यश्य ब्रह्म वर्धनम यश्य सोमा यश्य राधस दिनास। अन्वय है, यह सुनवंतम यह पचंतम यह उति संसंतम यह ससमानम भवति यस्य ब्रह्म यस्य सोम यस्य इदम् राधा वर्णनम जनाश्रयिन्द्र। शब्दार्थ, सुनवंतम सोम रस निकालने वाले को, पचंतम
सभियों को पुकारने वाले की, संसंतम स्तुति करने वाले की, ससमानम स्त्रोत पढ़ने वाले की, पूति रक्षा करने के लिए अवति रक्षा करता है, ब्रह्मस्तो प्रादय परिपक्व भविष्यान वर्धनम उन्नति कारक। प्रसंग है, इस मंत्र में ऋषि कृष्ण समद ने इंद्र संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों को व्यक्त किया है। अनुवाद है, जो इंद्र सोमरस निकालने वाले की हविष संपादन करने वाले की, अपने सुरक्षा के लिए स्तुति करने वाले यजमान की रक्षा करता है, वृद्धि करने वाले ब्रह्म नामक स्त्रोत सोमरस तथा प्रोड़ासादि अन्य जिसके वृद्धि कारक हैं, हे पुरुषो वह इंद्र है। अग्रिम 15 मंत्र है, यह सुनवते पचते दुग्रम आचिद पाजम दर्दशी यस किला सत्य वयम त इंद्र विश्व प्रयास सुविरास विदथा अदेव। अनु दुदग्र यह पचते वाजम चित आ दर्दशी यस किल सत्यासी इंद्र सुविरासत्य क्रियाश वयम विश्व विदथम आवेदम। कठिन शब्दार्थ है, दुग्र घोर सुनवते सोमरस निकालने वाले के लिए, पचते पकाने वाले के लिए, वाजम अन्य बल आदर्शी देते हो, सुविराश उत्तम वीर संतान वाले विश्व सदाई विलतम प्रार्थना के वाक्य आवदेम बोलते रहे। प्रसंग है, इस मंत्र प्रसुमन इन सूक्त का अंतिम मंत्र है। इसमें ऋषि ग्रस समन ने इंद्रदेव से अन्न एवं धन धान्य आदि की कामना की है तथा यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया है कि सदैव सपरिवार इंद्र का स्तवन करता रहेगा। इन दिनों घोर या दुर्धर जो सोमरस निकालने वाले के लिए, हवि पकाने वालों के लिए अन्न या बल प्रदान करता है, वह तुम निसंदेही यथार्थ को अर्थात इंद्र नाम से सिद्ध हो। हे इंद्र, उत्तम वीर संतानों वाले तुम्हारे प्रिय हम सदैव प्रार्थना के वाक्य बोलते रहे अर्थात सदैव तुम्हारी स्तुति करते रहे। इस प्रकार यहां इंद्र सूक्त संपूर्ण हो जाता है।